हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते इट्स मी ज़िदान मेरी जान। हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग, इट्स मी शाहिद। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज़िदान शाहिद अली। आज मामा की थोड़ी तबीयत ख़राब है, मामा आराम कर रहे हैं, इसलिए मामा ने मुझे बोला था कि पापा जब आएंगे तो पापा को बोल देना कि रेस्टोरेंट से कुछ भी ऑर्डर कर देना खाना, लेकिन मेरा और दीदी का अलग ही प्लान है। बता दो। मैंने और दीदी ने सोचा है कि आज हम लोग तुम्हारे हाथ का मैगी मसाला खाते हैं। अच्छा, मतलब तुम लोग ये चाहते हो कि आज मैं मैगी मसाला बनाऊं तुम लोगों के? हाँ। मतलब हम सब के लिए, हम सब के लिए कुकिंग आज मैं करूं। क्योंकि मम्मा को तुम्हारे हाथ का खाना भी बहुत पसंद है, तो मम्मा को बहुत अच्छा लगेगा तुमने खाना बनाया आज। हाँ, तो थोड़ी बहुत शायद तबीयत ठीक भी हो जाए, खुश हो जाएगी। हाँ, तो चलो बहुत अच्छा आइडिया है तुम लोगों का है। ठीक है, चलो फिर, चलो चलो सामिया। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ऐसा करो, मसाला जो मैगी के जो पैकेट्स है वो रेडी कर दो, और दो टमाटर, दो प्याज और दो ग्रीन चिली। ग्रीन चिली सब रेडी करके रखो, मैं किचन में आता हूँ। ठीक है, चलते, मज़ा आएगा। पापा, यस, आ जाओ, चलो, एवरीथिंग इज रेडी। चलो आया। क्या बात है सामिया, इतने अच्छे तरीके से तुमने सब तैयार किया है। बटर, सॉल्ट, टर्मरिक, क्या बात है, कितना कितना लगेगा वो भी सब तुमको मालूम है। वेरी नाइस यार, क्या बात है, कैसे है इतना ही सब कुछ? जब मम्मा अपने चैनल पे कुकिंग के वीडियोस बनाते थे ना, तो मुझे ये सब आता है, मैं सब करती थी पहले ही। अच्छा, मतलब जैसे शूट करते थे या? हाँ, मतलब जो तुम मम्मा को हेल्प करते थे वो सब मुझे ये सब चीज में। आज काम आया वो सब। तो ये अब रेडी हो गया है ना, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद पानी प्याज को गर्म करते हैं, मैगी को बॉईल करते हैं। एक्चुअली क्या है जिदान, मैं ना मतलब बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ ना, बहुत टाइम हो गया, तो ऑर्डर भूल गया हूँ मैं। क्या करेंगे, सिंपल है ना, मम्मा का जो मम्मा की जो कुकिंग आईडी उसको ओपन करो, ओपन करो, उसमें ना मैक्रोनी का वीडियो होगा। लेकिन ये तो मैगी। हाँ, अरे कितना सवाल है, जो तुम कुकिंग टेक्निक होती है जितना। अच्छा। एक ही होती है ना, वो मैं कुछ देखना चाहता हूँ, वो एक बार मैक्रोनी का वीडियो। ठीक है, गो। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मम्मा को मत बताना है ना। तो बच्चों के सामने मेरा पोपट हो गया। चलो जिदान, मीन वाइल ये गर्म हो रहा है, जब तक तुम ऐसा करो 6 ग्लास पानी। ठीक है, इसमें हम थोड़ा डाल देंगे पानी, डाल देंगे, थोड़ा उड़ेगा, संभालो, पीछे रहो सामने, थोड़ा बी केयरफुल, इसमें टमाटर में थोड़ा पानी होता है ना। तेल और पानी का जैसे मिक्सचर होता है तो
आवाज बढ़ती है। तो मालूम है मैं पका रहा हूँ? नहीं नहीं। अरे पका ही तो रहो यार। पानी तुमने रेडी किए? हाँ चलो जल्दी ठीक, शायद थोड़ा और पानी लगेगा। अच्छा हाँ पानी रख दो, और अभी मैगी के पैकेट्स निकाल। मैगी के पैकेट्स में मैगी मसाला होगा, जल्दी निकाल के दोगे 6 पैकेट। थोड़ा अभी इसको थोड़ा स्लो कर देते हैं। अरे मतलब मैं बोल रहा था तुम लोग जाके बैठते थे यार, मैं करता था। हाँ देखो सामने के जिदान की हालत देखो, पसीना पसीना हो गया हो। नहीं चले मुझे, मुझे भी ना इसी टाइम पे ना फोरहेड पे बहुत पसीना निकल रहा है, इसके लिए बैंड पहनता हूँ। हाँ तुम क्या करेंगे अभी? कुछ भी कितनी अच्छी है, अच्छी आ रही है। इसी बारे तुम लोग भी सीखेंगे ना, जिदाने का एमरजेंसी में काम आता है। बहुत ईजी डिश है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई हाथी घोड़ा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सो ईजी। आगे भी इसका वीडियो भी बन सके। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनने वाला है। वेटिंग टू हैव है ना, पानी लेकर आ गए तुम? नीचे आ गए, इसको लास्ट में सब कर देते हैं। बनने तो दो जरा, सारे तरफ पैन करो सानिया। ये देख रहे हैं आप लोग मसाला। ये तो फिर ये हमारा मसाला मैगी हो गया है तैयार। ये और मैंने बोल दिया कि हम लोग खाना लेके आए। खाना लेके आए मतलब तुमने बता दिया मैगी मतलब बनाया? नहीं, नहीं मतलब ये कि तुमने रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया और हम लोग वो खाना लेके आए रेस्टोरेंट वाले। अच्छा अच्छा ये सरप्राइज रखो मम्मा को, जो मम्मा को खुशी में रिएक्शन बहुत मजा आएगा। ठीक है चलो। नहीं बड़ा बैठे दो जरा, ग्लास भी दो। तन्नू के लिए मैं लेके जा रहा हूँ, अभी मैं देखूंगा उसके रिएक्शंस, नेचुरल रिएक्शंस। अब वो एक्सपेक्ट करेगी कुछ रेस्टोरेंट से खाना आया है, लेकिन मेरे हाथ की बनी हुई मसाला मैगी। तो ये बच्चे लोग ने डिसाइड किया, बच्चे लोग बोलते हैं कि पापा, मम्मा ने बोला था कि पापा को बोल देना कि रेस्टोरेंट से कुछ भी ऑर्डर कर देना। तो फिर लोग ने फिर बोला कि हम प्लान में थोड़ा चेंज करते हैं, बहुत दिनों से हमने मसाला मैगी नहीं खाया है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप मसाला मैगी बनाओ, और अगर आप अपने हाथों से बनाओगे तो मम्मा को जब पता चलेगा तो मम्मा की आधी तबीयत वैसी ही ठीक हो जाएगी। अच्छा मैं कुछ बोलूं, कितना पसीना पसीना आ गया। अरे क्या हाल है, अरे
पता ही नहीं चला यार। मैं हालांकि सिद्धांत को बोल रहा हूँ, सिद्धांत तुम जाके हॉल में बैठो, नहीं कंपाउंडर भी साथ में रहूंगा मैं, ऐसा ऐसे बच्चे लोगों ने मेरी हेल्प की, बेचारी सामने ने शूट की। मुझे तेज भी नहीं लगा, बहुत मस्त लगा। शायद मेरी तबीयत खराब है, शायद हो सकता है, लेकिन क्या है मालूम है, अगर तुम्हारे मुंह का टेस्ट थोड़ा खराब है ना, खाने शायद इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा मुझे पता नहीं था कि तुम लोग बनाओगे, वही तो हम लोग सरप्राइज है ना सर। सामियाने भी तो मेहनत किया है। अच्छा, सारी चीजें स्टार्ट करके वो जो भी तैयार वगैरह करके देना, रेडी करके देना, सब सामियाने रेडी करके देना। अच्छा, बिल्कुल, जिस तरह तुम्हारे कुकिंग वीडियोस में तुमको हेल्प करती थी उसी तरह मुझे भी हेल्प किया इसने। और एक चम्मच खा लो, ठीक है? मेरे पास भी कुछ नहीं है बोलने के लिए, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, खाने बनाने ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं डेली बनाऊंगा खाना तुम्हारे लिए, लेकिन कभी ऐसा भी मौका दो मुझे कि तुम्हारी तबीयत सही रहे और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, है ना? किसी ने ऐसा भी मौका देना मुझे, खुश रहो बस, कोशिश करो खुश रहो, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, है ना? स्ट्रेस मत करो, तुम स्ट्रेस में आते तो बच्चे भी टेंशन में आ जाते हैं। अच्छा, ओके, बेचारे बच्चे भी बराबर मेरे साथ खड़े बिल्कुल हटे नहीं, पापा तुम खड़े किचन में तो हम भी साथ में खड़े रहेंगे, तो थैंक यू सिद्धांत, थैंक यू सामिया, थैंक यू सामिया, थैंक यू। तो ये भी हम लोग बाद में खा लेंगे, है ना? तो ये ऐसा कर लो, तुम दवाई खाओ, ठीक है? तो भाई ये करो, ओके देन। मेरे यारो, मेरे प्यारो, फ्रेंड्स, दोस्तों, यारो, चाहूँगा कि आप लोग दुआ करो इसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, माशाल्लाह शी इज़ फीलिंग बेटर। तो बस मैं यार तुमको ये बोलूँगा, बिल्कुल स्ट्रेस वगैरह मत लो, स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होने वाला है, टेंशन लेके कुछ नहीं होगा, टेंशन बढ़ेगा, है ना? टेंशन लेने से टेंशन कम नहीं होता है, टेंशन और बढ़ जाता है, तो खुश रहो, है हम सब इतने प्यारे बच्चे हैं, प्यार करते हैं तुमसे, मैं हूँ, तो
खुश रहो, बस तुम खुश रहो, तुम सही रहो, हम लोग सब भी सही रहेंगे, ठीक है। तो फिर अभी हम लोग थोड़ी देर बाद हम लोग जाके अपने मैगी मसाला मैगी को इंजॉय करेंगे। अलविदा मेरी तरफ से, बहुत जल्द मिलेंगे फिर से अगले व्लॉग के साथ। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्द ही हाजिर होता हूँ नई वीडियो के साथ, जब तक के टेक केयर स्वीट ड्रीम्स। आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। बाय, लव यू ऑल, इट्स मी ज़िदान, मेरी जान।